आजम खान साहब को भी सुरक्षा प्रदान की जाए और सुरक्षा दी जाए उनको, उनको भी जेल के अंदर हो सकता है स्लो पोजन दे दिया जाए, और उनके जो खाना मिल रहा है उनके परिवार से आना चाहिए खाना, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, बीमार भी चल रहे हैं, समझे नहीं। और मेरे तो वैसे भी व्यक्तिगत उनसे संबंध रहे हैं, मेरे से मिलने भी आए, मैं भी उनके यहाँ गया, ठीक है नहीं, तो मैं उनके लिए विशेष तरीके से विशेष मांग करता हूँ भारत सरकार से कि उनको सुरक्षा दी जाए। इसका मतलब है कोई व्यक्ति जेल में था, चाहे वो गलत था या सही था, उसको मरवाया गया शासन और प्रशासन से, मतलब शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं स्वयं डरा हुआ था, मतलब इतने डरते थे किससे, मुख्तार अंसारी से, या फिर इतना प्रेम करते थे उन्हें लगता है कि यार इसकी मौत से हमें वोट मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, जैसे अतीक अहमद को चटकाया वैसे इसका भी काम खत्म, वो तो उसी टाइम पता चल गया था, और मैंने कहा भी था कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की बारी, और अब मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके बाद अगर उन्हें लगता है हमारी सरकार या पार्टी कहीं लोग नहीं पसंद करेंगे तो उसके बाद कहीं आजम खान साहब को लाइन पे ले लें। आजम खान नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। मुख्तार अंसारी के मौत के मामले में जो है अब सियासत तेज हो गई है। मुख्तार अंसार के भाई अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि हम समय आने पर एक एक सबूत देंगे और दिखाएंगे कि उनका जो है जेल में कैसे उनको जो है जेल में मारा गया था। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है नंदा भाई फौजी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। जिंदाबाद। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जो है अभी लोग आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनको जो है जेल में मार दिया गया, तो कोई कह रहा है स्वाभाविक मौत है, हार्ट अटैक तो सभी को आता है, क्या पहली बार थोड़ी ना हार्ट अटैक आया है। देखिए, पहले नंबर तो ये देखा जाता है कि भाई कौन कितनी हाइट दे रहा है इन मामलों को, सरकार भी हाइट दे रही है, बहुत सारे लोग भी दे रहे हैं, और जबकि 19 तारीख को लास्ट जो 19 जो तारीख गुजरी है उस पर मुख्तार अंसारी साहब ने खुद कहा था, लेटर लिखा, जज को लेटर लिखा कि मुझे धीमा जहर मतलब कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन नौटंकी आई कि हरकत सी दिखाई उन्होंने, और दो अधिकारी सस्पेंड किए। दो अधिकारी सस्पेंड क्यों किए थे भाई आपने, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा था जेल के अंदर, और जब गलत चल रहा था उसके बाद इनको इलाज के लिए ले गए, और उसके चार दिन बाद ही पता चलता है कि भाई मुख्तार अंसारी जी हार्ट अटैक से मौत हो गई। भाई वो आदमी स्वस्थ था, और हार्ट अटैक से तो मतलब ही नहीं, हार्ट अटैक से तो वैसे ही मर जाता जो आदमी 2005 से जेल में काट रहा है पूरी रात दिन, तो हार्ट अटैक होना चाहिए, होता तो जब ही हो जाता। आज ये 19 साल हो गए जिस आदमी को, और उसको कह रहे हो आप हार्ट अटैक हो गया है, तो ये गलत बात है। कहीं शासन प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, और 2024 का ये जो चुनाव था ये सबको पता था कि 2024 के चुनाव तक कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को टारगेट किया जाएगा, जैसे अतीक अहमद को मरवाया छुटवइयों से, और वहाँ पर जब मरवाया तो क्या हालत करी थी, गोली मारी सरेआम पुलिस कस्टडी में, और वो जो छुटवइये थे जो चिल्लर खटमल जो लड़के थे वो क्या नारा लगा रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये कौन सा धर्म है भाई, ये कौन है जय श्री राम, कौन है गैंगस्टर है कोई, कहाँ रहता है जय श्री राम जो इन्हें कहता गोली मारो आके, हैं धर्म क्या होता, धर्म तो उदारता है, प्यार दिखाता है, स्नेह दिखाता है, दया दिखाता है, धर्म वो होता है। धर्म का काम नहीं है श्री राम का काम नहीं कि हत्या करे, और अगर कोई श्री राम का नाम लेके हत्या कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, और सरकार पूरा उसे हीरो बना रही है, सारे अखबार चैनल सब छा दे रहे हैं, और कहीं जब रेप होता है किसी बहन बेटी का, किसी गरीब का, और या फिर मणिपुर में जैसे हुआ किसी टीवी चैनल ने, किसी भी मेन मिस्ट्री मीडिया वाले ने दिखाया हो तो बताओ मुझे। डीएम आरेखा चौधरी और अफजाल अंसारी जब जो है जनाजे में शामिल हो रहे थे अफजाल अंसारी के, तो आपने देखा होगा किस तरह से बहस हुई थी। नहीं, डीएम को कुछ ये दिखाना था कि मैं विशेष हूँ, खास हूँ, योगी जी की बिल्कुल खास हूँ, और चुनिंदा लोगों में से डीएम हूँ, उनकी चहेती डीएम हूँ, इसलिए वो बदतमीजी कर रही थी, बदतमीजी दिख रही थी उनकी, ये नहीं दिख रही थी कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, किसी का जनाजा जा रहे हैं। हम कह रहे थे कि आप जो है परमिशन लेकर के, अरे भाई परमिशन काहे की, काहे की परमिशन है, कल कहे की बच्चा पैदा हो रहा है वो निकलने से पहले परमिशन लेके आएगा क्या, है किसी के जाने की और आने की परमिशन लेनी पड़ेगी ये डीएम साहिबा को, आप मुझे बताइए परमिशन कौन सी पीएम काहे की चाहिए, है फिर घर घर गांव गांव हर आदमी को कहला आज पैदा होगा कल पैदा होगा बच्चा, इनको सरकार को ही बताएंगे, बच्चा भी डरेगा, बिना परमिशन के आने नहीं देंगे, उसे निकलने नहीं देंगे, क्या मजाक बना रखा है, है सरकार है, धारा 144 कौन सी 44 है, 44 कौन सी धारा, एक बात बताओ मुझे,
जहाँ भी आदमी जो है, एक बात तो पहले कहा गैंगस्टर है भाई, जब मुख्तार अंसारी गैंगस्टर था तो इतने सारे लोग, लाखों लोग वहाँ रोने क्यों चले गए, हैं मातम मनाने क्यों गए? वो तो बम पटाखे फोड़ते, होली मनाते, दिवाली मनाते, हाँ जब भाई इतना बड़ा गैंगस्टर मारा गया, आतंकी मारा गया, देशद्रोही मारा गया, फिर लोग रो क्यों रहे हैं? देखा जैसे अभी भी वीडियो आ रहे हैं, कहीं उनके टीचर थे उन्हें पढ़ा रहे थे, जो प्रोफेसर थे वो रो रहे हैं, हैं कई महिलाएँ, ये नहीं कि हिंदू भी रो रही हैं, सिख भी रो रहे हैं, ईसाई भी रो रहे हैं, हर कौम का आदमी रो रहा है, हर जाति का। तो एक माँ बताओ, गैंगस्टर या किसी आतंकी के लिए क्या लोग रोते हैं क्या देश के अंदर? हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार और शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ चुका है। ये लगता है कि ये सुनियोजित ढंग से इनकी हत्या कराई गई है, ये कोई अपने आप मौत नहीं है जिसे कहते हैं स्वाभाविक मौत। वीडियोज ऐसे भी आए हैं मीडिया के साथियों ने जो चलाया है, जिनमें उनके पड़ोसी कह रहे हैं कि मुझे गोली मारी गई थी, मुख्तार अंसारी का इतना खौफ था कि जो है वो बोल नहीं सकते थे, शिकायत नहीं दर्ज करवा सकते थे, अखिलेश यादव की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में, इन सब सरकारों में जो है अपराधियों को संरक्षण दिया गया, मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया गया, अगर कोई उनके खिलाफ जाकर के शिकायत दर्ज कराता था उनको जो है मारा पीटा जाता था, हत्याएं करा दी जाती थी, ऐसा आरोप उनके पड़ोसी लगा रहे थे, कई वीडियो सामने आए हैं। वो सब मूर्ख हैं, बेअकल हैं वो, जब सरकार इनकी है, सब कुछ इनकी है, हैं तो भाई इतने दिन से रह रहे हैं वो, तो मारे कैसे मारे गए कि भाई तुम्हें मारा नहीं जा रहा, सरकार नहीं सुन रही थी, अब तो सरकार ने सुन ली, तो सरकार ने सुन ली तो उनको सजा कौन देगा? अदालत देगी ना, कि सरकार मरवाएगी, इसका मतलब ये है ना कि सरकार मरवा रही है इनको, इनका काम ही है कि पिछले कामों सरकार इसे गोली मारेंगे, उसे गोली मारेंगे, पहले उसे गोली मार के दिखाओ, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो तीन लोग थे जो भाजपा आई टी सेल के थे, मोदी जी के खास प्रिय थे, समझे नहीं, उनके लोकसभा सीट को देखते हैं बनारस को, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बलात्कार करते हैं हिंदू लड़की का, और मोदी जी के परिवार की उनकी बेटी है, वो मोदी जी की बेटी का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उसको गोली कब मारोगे भाई? उसके घर पे बिल्डोजर कब फिराओगे तीन भैंसी दरिंदों के ऊपर? इसकी कौन जवाब देगा? पूछो उनसे जो बकवास कर रहे हैं, उसको कौन देगा? जो गाय माता की बात करते हैं, और वो जो था ब्रजेश क्या नाम था, दुबे था, मिश्रित तिवारी जी थे वो, विकास दुबे, हाँ ब्रजेश यार, कानपुर में जो गाय माता के ऊपर चढ़ के गाय का रेप कर दिया था वो तो सीसीटीवी पूरी फुटेज में आ गया था, उनको कौन गोली मारेगा, उनके परिवार पे कौन बिल्डोजर फिराएगा? पूछो जरा इनसे, आप ये मत सोचो कि हम लोग ध्यान नहीं रखते इन चीज़ों का, ध्यान रखते हैं, ये पाखंडी ढोंगियों से देश नहीं चलेगा, समझे, धर्म की दुहाई तुम नहीं दोगे, और तुम नहीं हो कोई बाबा कोई महाराज, अब बाबा हो तो बाबा का मतलब क्या भाई, बाबा तो जाए जंगलों में, जाए पूजा करे, मठ में बैठे, हैं हवन कुंड को चलाए, भगवान में आस्था रखे, ये क्या पाखंडी बाबा हैं? पहने अगर तो ये राजनीति करनी है तो काय को चोला पहन रखा भाई, हैं बाबा का पेंट कमीज पहन, कुर्ता पजामा पहन, बन नेता हैं, ये क्या ड्रामा है? अभी कोई मुसलमान होगा किसी जगह मुख्यमंत्री बना दो उसको, हरे चोले पहन ले, तावीज घंटे पहन ले, दाढ़ी बढ़ा ले, बवंडर हो जाएगा देश में, तो कहाँ से आते हैं ये? है पढ़े लिखे लोग आए, अच्छे लोग आए, ये इष्टम शासन कौन कर रहे हैं? 40 साल भीख मांगा जिंदगी भर, वो देश की गद्दी पे बैठ गया 40 साल भीख मांगने वाला, पूरा देश उसका परिवार है, 140 करोड़ लोग उसका परिवार है, मगर पत्नी उसकी परिवार की नहीं है, पत्नी को छोड़ रखा है। पूरा हाँ। डीजीपी जो है ये भी आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि जब जेल में जो है पिस्टल पहुंच जाता है तो जहर पहुंचना कौन सी बड़ी बात है, जांच होनी चाहिए। हाँ जांच तो होनी चाहिए भाई, पिस्टल भी पहुँचते हैं भाई, प्रशासन को देखो ना आप प्रशासन को करो, प्रशासन नहीं अधिकारी कौन है, हैं उनको सस्पेंड करो, जेल के अंदर सारी चीज़ें बैठा रहे हैं, जहर पहुँचा रहे, पिस्टल फैला रहे हैं और नशीले पदार्थ पहुँचा रहे हैं, महिलाएँ पहुँचा रहे, लड़कियाँ पहुँचा रहे हैं, मुजरे तक हो रहे हैं जेल के अंदर, हैं कौन नहीं बताओ, कितने मुजरे चालू निकले वहाँ से, चुम्मा चाटी करते हुए निकले, समझे नहीं, वहाँ से महिला जेल में से, महिला जेल में से महिलाओं का शोषण हो रहा है, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है, यहाँ से बोल दिया तो कहेंगे पकड़ो इसको, यार ये गलत कर रहा है, हाँ तुम जो मर्जी करो, तुम उनका मजा लो, सब कुछ करो, हैं और कहो कि हमसे बड़ा कोई ऋषि मुनि नहीं है, हैं और तुम्हें मैंने का रोज चाहिए रात को, तो इससे कौन बचाएगा देश को? इतने भी ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, इन्हें जितने भी अत्याचारी हैं, इतने बाबा हैं, मुल्ला हैं, ढोंगी हैं, जितने पाखंडी जितने प्रवचन देते हैं, यही हिंदू मुसलमान करा रहे हैं भारत के अंदर, और कोई नहीं करा रहा, समझे, देश की आम जो जनता है पब्लिक है, भाईचारे से रहती है, मोहब्बत से रहती है, अमन से रहती है, शांति से रहती है। एक बात बताइए नंदा भाई, आप जो है मुख्तार अंसारी को माफिया मानते हैं, मसीहा मानते हैं? भाई मैं मसीहा या माफिया क्यों मानूं किसी को? ये तो एक तो नजरिया होगा, मैं को नजरिया क्या,
मैं क्या उसके घर जाके रोटी खाता था क्या? हैं, मैं क्यों मानूंगा किसी को माफिया वो है या मसीहा है? ये तो अदालत करती ना फैसला। इसका मतलब है कोई व्यक्ति जेल में था, चाहे वो गलत था या सही था, उसको मरवाया गया शासन और प्रशासन से। भले शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं स्वयं डरा हुआ था, भले इतने डरते थे किससे? मुख्तार अंसारी से, या फिर इतना प्रेम करते थे उन्हें लगता है कि यार इसकी मौत से हमें वोट मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है। जैसे अतीक अहमद को चटकाया, वैसे इसका भी काम खत्म हो, तो उसी टाइम पता चल गया था। और मैंने कहा भी था कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की बारी, और अब मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके बाद अगर उन्हें लगता है हमारी सरकार या पार्टी कहीं लोग नहीं पसंद करेंगे, तो उसके बाद कहीं आजम खान साहब को लाइन पर ले लें, आजम खान की भी बलि चढ़ा दें। तो मैं तो मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आजम खान साहब को भी सुरक्षा प्रदान की जाए और सुरक्षा दी जाए उनको, उनको भी जेल के अंदर हो सकता है स्लो पॉइजन दे दिया जाए, और उनके जो खाना मिल रहा है उनके परिवार से आना चाहिए खाना, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, बीमार भी चल रहे हैं, समझे नहीं? और मेरे तो वैसे भी व्यक्तिगत उनसे संबंध रहे हैं, मेरे से मिलने भी आए, मैं भी उनके यहाँ गया, ठीक है? नहीं तो मैं उनके लिए विशेष तरीके से विशेष मांग करता हूँ भारत सरकार से कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनका खाना उनके परिवार से आए, उनके परिवार के लोग दें उनका खाना, अन्यथा शासन और प्रशासन से मुझे कोई उम्मीद नहीं है ना विश्वास रहा। जिस प्रकार से अदालत में जो मैटर चल रहा था उसके बावजूद इस व्यक्ति को, मुख्तार अंसारी को मार दिया गया जहर दे के, और ये सच्चाई है, जहर दे के ही मारा होगा, वो मरने वाला व्यक्ति नहीं था इतनी जल्दी।